मुझे बताएं बुर्का की क्या आजकल ये बहुत चला हुआ है। फ्रेंच हुकूमत ने बुर्का बैन कर दिया। बुर्का के बारे में आपके इंडिया में औरतें लेती हैं बुर्का भी? ये सिर्फ मुस्लिम कल्चर है या ये हिंदू कल्चर भी है फेस कवर करना? हिंदू कल्चर तो नहीं लेकिन मुस्लिम कल्चर ही है बुर्का। व्हाई शुड अ हिंदू वुमन वियर अ बुर्का? देखिए शाजिया, आई आई वांट टू मेक वन थिंग क्लियर कि मैं आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग। आई एम एक्चुअली एन एथियस्ट। आई डोंट बिलीव इन एनी रिलीजन एक्चुअली। एंड आई जस्ट कम फ्रॉम अ हिंदू बैकग्राउंड बट आई डोंट बिलीव इन इट। लेकिन I know about it all, most of it. I know about most of the world religions, but I don't believe in it, any of them. I think यही मेरा basically जितना मुझे पता है कि बुर्का तो I don't think so कभी पहनना चाहिए औरतों को। I think it's a sign of misogyny and sexism, and it's designed by men to औरतों को नीचे रखना के लिए अपने। Absolutely। बुर्को को तो कभी नहीं पहनना चाहिए। Why should a woman wear a burqa? आप कैसी दुनिया, पूरी दुनिया में एक दुनिया कैसी दुनिया बनाएंगे जिसमें आधी ह्यूमन स्पीशीज इज गोइंग अराउंड वेयरिंग अ ब्लैक बैग? आई डोंट थिंक ऐसा होना भी चाहिए बिल्कुल। आई थिंक देखिए कोई भी वुमन जिसमें थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, जो अपने आप को इक्वल समझती होगी मेन के, शी वुड नेवर वेयर अ बुर्का। असल में पहले मैं अपने मुसलमान भाइयों को कह दूं, इससे पहले कि उन्हें बहुत गुस्सा है कि कुरान में इनफैक्ट बुर्का जो है, जो मैंने बड़े बड़े उलमा से बात की है, मना है। एक्चुअली आपको सर कवर करने का हुक्म ज़रूर है और कपड़े पूरे पहनने का कहते ज़रूर हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मुसलमान औरतें फेस नहीं कवर करती हैं। और मतलब वही गरीब मुल्कों में जिनमें अभी भी ये समझते हैं कि फेस कवर करने से पता नहीं कोई आप ज़्यादा नेक लगते हैं, वो ये करती हैं। लेकिन वैसे कोई आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं भी ये समझती हूँ कि कोई भी डिग्निटी वाला जो ह्यूमन है ना, उसको चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, अपना फेस कवर करके क्यों वो बाहर निकले? आप फेस आपकी आइडेंटिटी है, आप मुआशरे में एक प्रोडक्टिव सिटीजन बने, चाहे आप औरत हैं चाहे आप मर्द हैं। योर बॉडी एंड यू आर डिप्राइविंग योर बॉडी ऑफ विटामिन डी। हां, विटामिन डी इसके बगैर सही कह रहे हैं, वो उसके लिए आपको धूप चाहिए होती है। बट द थिंग इज के जैसे जैसे ये इसी तरह एक्सट्रीम है ना कि आप सर से पांव तक फेस कवर किया आप जा रहे हैं, ये इसी तरह एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम है, यहां पे एक न्यूडिस्ट की सोसाइटी है अमेरिका में, उन लोगों का ये बिलीव है कि जिस के बॉडी तो सबकी एक तरह की होती है, और चूंकि अल्लाह ने हमें बनाया कपड़ों के बगैर था, तो कपड़े इंसान की इन्वेंशन है, हमें कपड़ों के बगैर फिरने की इजाजत दी जाए। तो उनका पर्सनल व्यू है। और उनके ना अलग से उनके क्लब्स हैं, उस क्लब में जब वो जाते हैं तो वो सब बिल्कुल नंगे होते हैं, एंड दे आर ऑल फैट पीपल। उनकी तस्वीरें मैंने थोड़ा देखी, ये नहीं कि वो गुड लुकिंग पीपल हैं, सारी मोटी मोटी औरतें, मोटे मोटे अंकल। तो आप एक चीज देखेंगे, इन सारे क्लब्स में सबसे ज्यादा इंडियंस और पाकिस्तानी पाए जाएंगे सबसे ज्यादा। वो वैसे अमेरिकन थे सारे में जो मैंने देखे। फिर इनके ये जो न्यूड बीचेस होते हैं, जो इस पे भी ये लिमिटेड होता है कि वहाँ पे ठीक है जो लोग जाना चाहते हैं वो फिर इसी तरह के लोग जाते हैं, आम बंदा तो वहाँ पे नहीं जाता, आप अपनी चॉइस होती है। लेकिन आप इन लोगों को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि ये सोसाइटी में गली में मेरे बच्चा फिर रहा है, बाहर एक नंगा आदमी फिर रहा हो, तो आई कैन नॉट लेट माई चाइल्ड गो आउट लाइक दैट। इसी तरह ये वेस्टर्न कल्चर वाले लोग ये समझते हैं कि हम लोग, हमें तो मुझे तो आदत है बुर्का पोश औरतें देखने की पाकिस्तान में, लेकिन अब मैं यहाँ रहती हूँ तो मैं इनका पॉइंट ऑफ व्यू भी अंडरस्टैंड करती हूँ कि यहाँ की औरत तो डर जाएगी कि अगर एक बुर्का पोश यानी सर से, आप ये देखेंगे तो मूवीज में जैसे निंजा दिखाते हैं कि बैंक लूटने आए हैं तो चेहरा कवर किया हुआ, इनको तो ऐसे लगते हैं, तो इनके तो बच्चे डर जाते हैं देख के, एक निंजा टाइप बंदा जिसने फेस कवर किया आपके पास आके खड़ा हो। तो ये लोग ऐसे ही डरते हैं उनसे जैसे हम एक नंगे बंदे से डर जाते हैं। ये लोग बिल्कुल ये लोग बिल्कुल ऐसे बुर्का पोश से जिसने पूरा बैग ऊपर थैला पहना हो उससे इसी तरह डरते हैं। तो बट अगेन आई मीन व्हाई वुड समबडी डू दैट? आप ये जो ये समझे ना, पाइटी का जो कॉन्सेप्ट है कि हम सुपीरियर हैं मोरली अगर हमने फेस कवर किया है, दैट्स एब्सोल्युटली स्टूपिड। लेकिन पाकिस्तान में वैसे बहुत सारी, देखो बहुत सारी औरतें जो बुर्का पहनती हैं वो पहचान ही नहीं जाना चाहती हैं। बहुत सारी औरतें तो ऐसी हैं जैसे जब मेरे वीडियोस की मैं वीडियोस बनाती हूँ ना, तो इसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट वगैरह कुछ मेरे पीछे लग जाते हैं, तो मुझे लोगों ने मशवरा दिया कि तुम पाकिस्तान जाओ तो फेस कवर करके फिरना, एंड दैट वाज अ गुड रीज़न। और मैं गई हूँ तो मैंने अपना कुछ जगहों पर फेस कवर किया भी था कि मुझे पहचाने ना, ठीक है? तो कुछ लोग तो इस तरह के हैं, हर औरत की अपनी रीज़न होती है चेहरा छुपाने की। कुछ औरतें तो ऐसी हैं कि जो नहीं पहचानी जाना चाहती इसलिए चेहरा छुपा के फिरती हैं। कुछ उनमें से ऐसी हैं कि जो वाकई समझती हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग की है, इसको कहते हैं कंडीशनिंग भी उनकी की है कि बचपन से उनको बताया है कि भाई ये औरत की शराफत है, औरत की हया है कि तुम चेहरा कवर करोगी तो। और आप हमेशा पाएंगे कि आपको ये मर्द आके बता रहे होंगे, मर्द बताते हैं हाँ। वो भी ब्रेन वॉश्ड है, वो भी हाँ। बेसिकली ये मेन का है, डिजाइन टू मेन, इट्स डिजाइन बाय मेन, डिजाइन टू हां ये औरतों को दबाने के लिए, एब्सोल्युटली हां, नीचे रखने के लिए, अपने पैरों के नीचे रखने के लिए, उनको दबाने के लिए कि औरतें हमारी इक्वल नहीं हो सकती, इसलिए तुम लोग बुर्का पहनोगे। कहीं हम लोग
हम लोगों को अंदर से कोई फीलिंग ना आ जाए तुम्हारी तरफ और हम तुम्हारी तरफ कोई गलत नजर से देखें। तो ऑब्वियसली इसमें मेन की गलती है कि औरतों की गलती है। ऑब्वियसली इट्स मेन्स, ऑब्वियसली इट्स मैन मेड। मैंने कोई चीज को दिखाई क्यों नहीं देता है कि इट्स इट्स डिजाइन बाय मैन टू अप्रेस वुमेन। साफ साफ पता चल रहा है। बहुत सारी ज्यादातर औरतों को ये बात नजर आती है, कुछ ऐसी हैं जो प्रोटेस्ट वगैरह कर रही हैं, कुछ तो अटेंशन के लिए करती हैं, लेकिन बहुत सारी जैसे हजारों में से एक आध ऐसी निकल भी आती है कि जो इस तरह से ब्रेन वॉश हुई है, जो समझती है कि भाई मैं तो चेहरा छुपाऊंगी हाँ ताकि वो किसी के जहन में तो मेरे है बारे ना में कि ख्यालात ना आए। एक और चीज होता है, विमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन ऑपरेशन। एक तरह से हाँ इंडिया में भी बहुत होता है ऐसा। आप देखेंगे इंडिया में जो फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है कि और बच्चे पता चल जाता है इनको कि बच्ची पैदा होने वाली है तो उसे मार देते हैं। और ये सबसे पहले आके दादी अम्मा बोलती है हमें पोता चाहिए, हमें पोती नहीं चाहिए, हमें पोता चाहिए अपना, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए। वुमेन सेइंग दैट कि मैं हमें पोती नहीं चाहिए, मतलब आप कैसे कह सकते हैं? इट्स ऑब्वियसली वुमेन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन। एक तो पहले मैन अप्रेस तो करने की कोशिश करते हैं और पता है हम ये ऑब्वियसली मान सेंचुरीज, लेते ये जो है ना मैं ब्रेन वॉशिंग में, वो आपको आप बताने की थी कि जो हमारे मर्द हमें बुर्का पहनने का कहते हैं ना, वो भी मेंटली ब्रेन वॉश है फॉर मेंटल सेंचुरीज, वो भी ये स्लेवरी है, बिलीव मेंटल करते हैं। हाँ स्लेवरी। लेकिन मैन चेंज, जैसे जो यहाँ पे मैं देखती हूँ मेरे फ्रेंड्स, इवन मेरे ओन माई ओन फादर, ही चेंज ओवर टाइम। कि जैसे शुरू में जो उनके सारे ख्याल थे, जैसे जैसे बच्चे ज्यादा पढ़ते गए, मुल्क से बाहर गए, तो अबू के भी सारे ख्याल चेंज हो गए। अबू डोंट माइंड एनी मोर, अगर मतलब छोटे जैसे अभी भी जिस शहर से मैं ओरिजिनली बिलोंग करती हूँ वापस जाऊँ तो आई हैव टू कवर माई हेयर एटलीस्ट। फेस तो वहाँ पे नहीं ज्यादा लोग कवर करते, लेकिन बड़ी सारी चादर लेके आपको जाना पड़ता है। लेकिन यहाँ अमेरिका में नहीं है, तो लोगों के ख्याल भी चेंज होते हैं। इसमें सोसाइटी को इन जनरल चेंज होना पड़ेगा, सोसाइटी को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि कोई शर्म है या की बात नहीं है कि आप बोरियो में अपनी औरतों को बंद करें। आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात की है, एक बहुत अच्छा कमेंट मैंने पढ़ा पिछले दिनों किसी का, किसी पाकिस्तानी मर्द ने लिखा कि पाकिस्तान में मर्दों को शुरू से औरतों बच्चियों को, 6 साल की बच्ची को ये बताना शुरू कर दें कि मर्द एक भेड़िया है और तुम उसे बच के रहो, अपने आप को कवर करो, और तुम शीप हो, ठीक है। तो औरत बच के हर तरह से रहे, अपने आप को कवर करे, अपना चेहरा कवर करे, बाल कवर करे, ताकि उसको भेड़िया नुकसान ना पहुंचाए। और उधर से चूंकि ये कहा जाता है, तो मर्दों को भी यही बताया जाता है कि वो भेड़िए हैं। जब आप इस तरह से करते हैं तो मर्दों को एक तरह से ये आ जाता है कि भाई हम तो, और फिर सोसाइटी एक्ट भी ऐसे ही करती है कि जब मर्दों को मौका मिलता है वो सेक्सुअल हरासमेंट भी करते हैं रोड्स पे, भेड़िए की तरह एक्ट भी करते हैं, और लड़कियां दबके भी रहती हैं। और तो ये असल में ये जो बात उस बंदे ने लिखी है, इसको समझना समझना उसी के लिए पॉसिबल है जो उस कल्चर में रहा हो और उसके बाद डिफरेंट कल्चर में रहा हो, वो ये समझ सकता है कि ये बात कितनी सही है, ये भेड़िया और जो भेड़ वाला कॉन्सेप्ट है ना, इस तरह से आप पूरी सोसाइटी को इस तरह से रेज करते हैं तो पूरी सोसाइटी ऐसी बन भी जाती है। इसमें आपको क्योंकि बहुत हाँ सोसाइटी देखिए हमेशा से सोसाइटीज हमेशा से पेट्रियार्कल रही हैं। मैंने ऑलवेज बीन डोमिनेंट तो ऑब्वियसली औरतों को हमेशा से, हर दुनिया किसी को भी सोसाइटी नहीं है जहाँ पे औरतों को इक्वली ट्रीट किया होगा। अब चाहे वेस्टर्न सिविलाइजेशन में सब औरतों को बेसिकली इक्वल ट्रीट किया जाता है एंड बाकी हर जगह पूरी दुनिया में आप देख लीजिए हमेशा औरतों को थोड़ा हमेशा अप्रेस्ड है। इंडिया में है, इंडिया में बड़ी सिटीज में नहीं है ऑब्वियसली, एजुकेटेड जो लोग हैं वो तो नहीं करेंगे, लेकिन आप इंटीरियर में जैसे जाते जाएंगे जहाँ पे जितना कम एजुकेशन उतना ज्यादा सुपरस्टिशन, वहाँ पे औरतें अपना माथा ढक के चलती हैं, बुरका बुरका नहीं एटलीस्ट टॉकिंग अबाउट द हिंदू सोसाइटी। औरतें माथा ढक के चलती हैं और हमेशा अपनी नजरें नीचे रखती हैं अपने फादर इन लॉ के सामने एंड ऑल्सो एंड ऑल दिस स्टफ। तो जितना ज्यादा इंटीरियर में जाते जाएंगे, जितनी ज्यादा कम एजुकेशन होगी, जितना ज्यादा सुपरस्टिशन होगा, वहां पे ऐसा ज्यादा होगा आपको। जैसे दिल्ली और ये बॉम्बे जो बड़े शहर, ऑब्वियसली यहाँ पे तो धीरे धीरे सब चीजें चली गई हैं क्योंकि पूरा कॉस्मोपॉलिटन टाइप का कल्चर बन गया है धीरे धीरे। तो यहाँ पे ऑब्वियसली वेमेन आर एजुकेटेड एंड वो सारे, तो ऑब्वियसली दे वोंट हैव एनी ऑफ दैट। एजुकेटेड वुमेन विल ऑब्वियसली, अगर उनको कोई अप्रेस करने की कोशिश करेगा तो देखो ना किक यू बैक। सो ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है। जितना ज्यादा आप इंटीरियर में जाएंगे जहाँ पे जितनी ज्यादा एजुकेशन है, इसका वही है ना सबसे ज्यादा इस चीज, इन चीजों को खत्म करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। मतलब कि औरतों को पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है बिकॉज धीरे धीरे जैसे इफ वुमेन आर लिटरेट तो पॉवर्टी भी कम होगी और धीरे धीरे ये सब धीरे धीरे सब चीजें हट जाएंगी। और एजुकेशन मोस्ट भी इम्पोर्टेंट राइट काइंड की होनी चाहिए ना, एक होती है मदरसा एजुकेशन तो फ्री एजुकेशन राइट होना चाहिए, सबको होना चाहिए, सबसे बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दैट्स द मेन। एजुकेशन जितनी जरूरी है ना हमारे मुल्कों के लिए, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है।